आजकल के खान पान और इस्तेमाल होने वाली इंसान द्वारा बनाई गई चीजों ने कैंसर को बहुत बढ़ावा दिया है। बिना सोचे समझे हम इंसान ऐसी चीजें इस्तेमाल करने लगते हैं जो सीधा हमारे स्वास्थ्य पर असर करती है। खान पान तो हमारा दूषित हो ही रहा है, पर अब रोजमर्रा की ये चीजें भी हमें भयानक बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग आदि की ओर ले जा रही है। दोस्तों, देश में कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। जब से लोगों ने प्राकृतिक चीजों को छोड़कर इंसान द्वारा बनाई गई केमिकल से बनी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया है, तब से कैंसर के बहुत मामले बढ़े हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या होता है कैंसर। हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है। जैसे जैसे शरीर को इनकी जरूरत होती है, वैसे वैसे ये कोशिकाएं नियंत्रित रूप से विभाजित की ओर बढ़ती रहती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शरीर को इन कोशिकाओं की कोई जरूरत नहीं होती, फिर भी इनका बढ़ना जारी रहता है। कोशिकाओं का यह असामान्य विकार कैंसर कहलाता है, जो आमतौर पर एक असामान्य कोशिका से उत्पन्न होता है जिसमें कोशिकाएं सामान्य नियंत्रण खो देती है। तीन आम चीजें जो कैंसर को और बढ़ा रही है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कैंसर एक बेहद खतरनाक बीमारी है, जिसके लक्षण भी हमें तब पता चलते हैं जब वह काफी बढ़ चुकी होती है, और इसका इलाज तभी संभव हो पाता है जब हमें लक्षणों का पता सही समय पर चल जाए। रोजमर्रा में हम लोग इन तीन चीजों का इस्तेमाल करते हैं और ये चीजें सभी के घरों में पाई जाती हैं, और लोग इन्हें बिना सोचे समझे अच्छा समझकर कभी कभार हद से ज्यादा ही प्रयोग कर लेते हैं। आखिर ये चीजें कौन सी है, आइए जानते हैं। कागज के डिस्पोजल कप। इन कपों का इस्तेमाल आजकल बहुत बढ़ चुका है। अब ये हर चाय वाले के पास और आजकल दावतों में भी दिखाई देते हैं। स्टायरोफोम से बने प्रोडक्ट्स इतने आम हो चुके हैं कि लोग हर तरह की खाने पीने की चीजों के लिए इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सॉफ्ट प्लास्टिक से बना कप दिखने में अच्छा लगे, पर आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये केमिकल से बनता है और इसमें पॉलिस्ट्राइन होता है, जो एक पॉलीमर है। ये खतरनाक केमिकल जब गर्म चीजें जैसे गर्म पानी और चाय या कॉफी में मिलता है तो एक रिएक्शन पैदा करता है, जिसके कारण हमारे शरीर पर बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं। इसके अत्यधिक इस्तेमाल से आपको कैंसर भी हो सकता है। अगरबत्ती का धुआं। अक्सर पूजा पाठ और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग होने वाली अगरबत्ती भी कैंसर के लिए जिम्मेदार मानी गई है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध की रिपोर्ट के अनुसार अगरबत्ती को जलाने पर उसके धुएं के साथ कुछ बारीक कण भी निकलते हैं, जो कि हवा में घुल मिल जाते हैं। अगरबत्तियों से निकलने वाले जहरीले कण शरीर की कोशिकाओं को बेहद प्रभावित करते हैं। शोध के दौरान रिपोर्ट में पता चला कि अगरबत्ती के धुएं में तीन तरह से विशेष तत्व होते हैं जो कि कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह विशेष तत्व म्यूटाजेनिक, जीनोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक के नाम से जाने जाते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन यानी अनुवांशिक उत्परिवर्तन से व्यक्ति के डीएनए में परिवर्तन हो सकता है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। यह हमारे फेफड़ों में जलन, उत्तेजना और विभिन्न तरह की विकृतियां पैदा कर देता है। अगरबत्ती के धुएं से सांस के रास्ते की नली में खुजली और जलन की समस्या भी हो सकती है। मच्छर मारने वाली दवाई। जिस तरह से ये दवाइयां या कहें कॉइल्स मच्छरों को मारने के लिए बनाई जाती है, तो उनमें बहुत से केमिकल मिलाए जाते हैं। इसके धुएं में सुगंध भी होती है, जो कि केमिकल के द्वारा ही डाली जाती है। ये कॉइल्स शायद ही कभी मच्छरों को दूर कर सके, पर इनके धुएं से कई खतरनाक प्रभाव देखने को मिलते हैं। सिर दर्द और एलर्जी तो आम लक्षण है, पर इसके ज्यादा इस्तेमाल से आपको कैंसर भी हो सकता है। मच्छरों को भगाने के लिए आप प्राकृतिक साधनों का ही उपयोग करें तो बहुत बेहतर होगा, वरना ये कॉइल्स आपको बहुत बीमार बना सकती है। दोस्तों, जब से हमने प्राकृतिक चीजों से दूर होकर के केमिकल से बनी चीजों की तरफ बढ़े हैं, तभी से कई प्रकार के रोगों ने हमारे शरीर पर कब्जा सा कर लिया है। आज के दौर में स्वस्थ रहने का एक ही सिद्धांत है, और वह है प्रकृति से जुड़कर जीना। शुक्रिया।